हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हम इसकी डिफिनेशन से। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि ग्रॉस का क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम अपने दोस्तों में बांट रहे हैं कुछ पैसे, जैसे किसी को 15 रुपये दिए, किसी को 20 रुपये दिए, किसी को 25 रुपये दिए। ठीक है, किसी को 15, 20, 25, 30 ऐसे 4-5 लोगों में बांट दिए। बाद में पूछता हूँ कि मैंने टोटल कितने पैसे दिए, यानी कि जब भी टोटल का अर्थ है कि मैंने कितने पैसे दिए यानी टोटल कितने दिए, तो ये टोटल का अर्थ हमेशा ग्रॉस में होता है। और घरेलू सीमा यानी घरेलू उत्पाद देश के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर होने वाले प्रोडक्शन घरेलू उत्पाद। तो इसमें हम क्या समझे पहले कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है, यानी ग्रॉस का सेंस हमेशा टोटल में आता है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि एक होता है नेट। नेट क्या होता है, जिसे हम निवल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आगे समझ में आएगा। नेट का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए कि हम किसी को पैसे देते हैं, वो कहीं खर्च करते हैं, 5 लोग को दिए पैसे और वो लोग कहीं कहीं खर्च कर दिए, फिर वो आगे बोलेंगे कि इतने पैसे खर्च हो गए, तो मैं क्या कहूँगा कि तुम भाई सीधे सीधे ये बात बताओ नेट बचा कितना है, खर्च करके बाद नेट कितना बचा है, यानी कि जो टूटी फूटी खर्ची वर्ची जो भी थी हटा कर निकाल के नेट कितना बचा है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि मान लीजिए कि कहीं हम किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ देते 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 अब ये ऐसा लग रहा है कि देखो मेरे पास तो सब खत्म हो गए, या फिर उतना ही बचा है जितना में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस जब ऐसा मुद्दा आता है तो क्या घर के जो मुखिया होते हैं क्या बोलते हैं कि सीधा सीधे बताओ कि नेट कितना बचा, यानी कि देने के बाद कितना बचा है, यानी कि जो टूटा फूटा होता है उस सबको हटा के जो बचता है उसे नेट बोलते हैं। तो ये नेट का अर्थ यहाँ आएगा, तो इसे हटा दीजिए। ये नेट और ग्रॉस थोड़ा सा आप समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे थोड़ा सा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है जीडीपी की। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय यानी एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आप इस फॉर्मूला की एक दो बार पढ़िएगा, सॉरी इस डेफिनेशन में एक दो बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सबसे पहले इसमें समझने की बात यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय, एक निश्चित समय क्या है, ये एक निश्चित समय का क्या अर्थ है, यानी एक वर्ष इसका क्या अर्थ है। देखिए हमारे वर्ष को हम दो तरह से देखते हैं, यानी दो तरह के वर्ष होते हैं। एक तो होते हैं कैलेंडर वर्ष और एक होते हैं वित्तीय वर्ष। देखिए कैलेंडर ईयर तो हम सब लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये होता है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। वही वित्तीय वर्ष होता है ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये चलता कब तक है, 31 मार्च तक। तो एक निश्चित समय यानी एक वर्ष, और यहाँ वर्ष का तात्पर्य ये वित्तीय वर्ष से है यानी कैलेंडर ईयर से, यानी कि जब भी जीडीपी की काउंटिंग होगी तो हमेशा वित्तीय वर्ष में होगी 1 अप्रैल से 3 मार्च के बीच, सॉरी 31 मार्च के बीच। तो वर्ष को समझिए कि एक निश्चित समय का क्या मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में। अब आइए आगे आते हैं, समय में देश की घरेलू सीमा के अंदर। अब देखिए ये है थोड़ा सा लॉजिकल समझने वाला, घरेलू सीमा के अंदर। अब हमें समझना है सीमा यानी घरेलू सीमा क्या, तो सबसे पहले सीमा को देखिए। ये सीमा का मतलब आप बाउंड्री समझिएगा, ये तो आजकल सीमा कहीं और भी प्रचलित है। देखिए सीमा एक तो होता है भौगोलिक सीमा और एक होता है घरेलू सीमा। घरेलू सीमा तो
हम ये दो घरेलू सीमा और भौगोलिक सीमा को समझने के लिए हम एक छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ ये मान लीजिए आप ओवरऑल भारत का मैप है, अगर थोड़ा सा गलती वलती बने तो एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा अंडमान निकोबार जो भी होता है लड़ते। देखिए जितने ये रेड कलर में है जितने बाउंड्री लाइन है ये सब भौगोलिक सीमा है, लेकिन जब हम घरेलू सीमा की बात करेंगे तो ये तो आपको पता है इंडियन ओशन होता है, बे ऑफ बंगाल और ये अरब सागर। ठीक है, तो ये एक्चुअली बात है कि इतना ये समुद्र से घिरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम भौगोलिक सीमा को जब घरेलू सीमा को मापते हैं तो इसमें 12 नॉटिकल माइल्स और यहाँ देख लीजिए 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है लगभग 22 किलोमीटर के बराबर। तो घरेलू सीमा के अंदर हम हमेशा ये 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल माइल अंदर तक मेजर करते हैं। यानी कंक्लूजन पर हम पहुँचे, कंक्लूजन पर तो हम ये पता चलेगा कि भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भौगोलिक सीमा में हमें समुद्री सीमा को ऐड करना पड़ेगा। समुद्री सीमा, और ये समुद्री सीमा कितना होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, और 12 नॉटिकल माइल का लगभग मीनिंग मतलब होता है 22 किलोमीटर। तो घरेलू सीमा के अंदर हम इतना ऐड करेंगे ये पूरे रेड को लेके, लेकिन जब भौगोलिक सीमा का बात आएगा तो सिर्फ जो रेड वाली लाइन है इतना आएगा हमारा भौगोलिक सीमा में। तो भौगोलिक सीमा और घरेलू सीमा में अंतर शायद आप समझ गए होंगे। तो आइए डिफिनेशन के नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्या है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में एक देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा। अब इसका क्या मतलब है, ये वस्तु और सेवा क्या है, अंतिम वस्तु और सेवा क्या है, इसको समझते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। देखिए देखिए वस्तु दो प्रकार की होती है। ठीक है, वस्तु दो प्रकार, वस्तु चार प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं, चार प्रकार से। इसको हम माइंड मैप के द्वारा इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हो जाती है मध्यवर्ती वस्तु। अभी समझते हैं क्या होती है मध्यवर्ती वस्तु एंड द इंटरमीडिएट सूट होती है। फिर उसके बाद होती है, तो होती है पुरानी वस्तु आप लोग जानते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। एक होती है पूंजीगत वस्तु। ये पूंजीगत वस्तु जैसे कोई मशीन वशीन वगैरह होती है। और चौथी होती है, ये होती है अंतिम वस्तु। डिफिनेशन में क्या है हमारा कि किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। ये मध्यवर्ती वस्तु, पुरानी वस्तु, पूंजीगत और अंतिम वस्तु, तो हमें जानना है ये। लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर वो समझ में आएगा। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, देखिए जैसे इसको एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम ब्रेड आटा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये गेहूं हुआ, गेहूं से हमें आटा बनाना है। ठीक है, और आटा ही बनता है गेहूं से। ठीक है, अगर हम गेहूं से आटा बनाते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि गेहूं जो है यहाँ ये मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि इससे आटा बन रहा है। अच्छा, आटा के लिए मध्यवर्ती वस्तु गेहूं को कहेंगे हम, लेकिन आटा से हम ब्रेड बना लेते हैं। आइए यहाँ ब्रेड भी बना देते हैं, मान लीजिए कि ब्रेड है। अब आप एक बात समझिए कि आटा को आप खाएंगे नहीं, उसको तो आटा को ऐसे खाएंगे नहीं, आपको आटा को ब्रेड में कन्वर्ट करके खाना होगा या फिर कुछ और चीज़ बना के खा सकते हैं, आटा को तो डायरेक्टली खाएंगे नहीं आप। तो ये आटा के लिए मध्यवर्ती वस्तु हुआ गेहूँ,
और ब्रेड के लिए मध्यवर्ती वस्तु कौन सा होगा? ये आटा। लेकिन जो वस्तु हम उपयोग करेंगे यानी खाएंगे या फिर उसका उपयोग करेंगे किसी चीज में उपयोग करेंगे वो होगा हमारा अंतिम वस्तु। यानी कि अब इसको ये सीधे जाएगा खाने वाले के पास, यानी कि इसके बाद इसमें कुछ नहीं होने का है, ये सीधे जाएगा बनेगा खाएगा जो भी होगा, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब वैल्यू एडिशन समझना जरूरी है कि वैल्यू एडिशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम गेहूं को ले गए मशीन में और उसको कूट दिए पीस दिए, पीसने के बाद इसका वैल्यू इसके वैल्यू में एडिशन हो गया। पहले अगर ये 20 रुपये था, 20 रुपये केजी था, तो ये कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए 30 रुपये हो जाएगा। आप ये जानते भी होंगे कि आटा गेहूं से महंगा बिकता है, तो इसमें वैल्यू एडिशन हो गया। आटा से हम ब्रेड बना देंगे तो डेफिनेटली बात है आटा से महंगा बिकेगा ब्रेड, यानी कि इसमें भी वैल्यू एडिशन होगा। लेकिन ब्रेड को तो हम खा जा रहे हैं, और जब हम ब्रेड को खा जा रहे हैं तो इसमें वैल्यू एडिशन का कोई मामला बच ही नहीं रहा। और चूंकि ये इसके बाद से इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए अंतिम वस्तु होगा, ठीक है। अब देखिए पुरानी वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु शायद आप यहाँ समझ गए होंगे और मध्यवर्ती वस्तु भी समझ गए होंगे। पुरानी वस्तु क्या है? पुरानी वस्तु मान लीजिए कि 5 साल पहले किसी ने कोई गाड़ी खरीदी, 2 साल बाद फिर 2 साल बाद उसने बेच दिया, तो उसे हम बोलते हैं पुरानी वस्तु, यानी सेकेंड हैंड वस्तु। हमेशा खरीदने के बाद उसे दूसरे लोग खरीदते हैं, तो इसका क्या रोल है इसमें? तो पुरानी वस्तु को GDP में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों पुरानी वस्तु को GDP में इसलिए शामिल नहीं किया जाता है? क्योंकि एक बार अगर हम कोई वस्तु नए में खरीदते हैं तो उसका टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, और फिर से अगर हम उसे GDP में इंक्लूड करते हैं तो ये डबल काउंटिंग की समस्या आ जाती है। और डबल काउंटिंग आपको आगे के वीडियोज में समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल है समझना। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए, क्योंकि दोहरा गिनना हो जाएगी ना, आप बताइए अगर कोई कार है, कोई कार 5 लाख की है, मान लीजिए 5 लाख की है, तो आप पहले खरीदे तो आप 5 लाख इससे तो ऐड कर लिए आप पहले, फिर आप 2 साल बाद इसे 3 लाख रुपए में बेच दे रहे हो, तो फिर आप इसे ऐड कर लोगे, तो आप बताओ क्या होता है, एक्चुअल क्या हो रहा है? ये 5 लाख की वस्तु को आप 8 लाख बना के ऐड कर रहे हो। आप इकोनॉमी में 5 लाख की वस्तु को 8 लाख कंसिडर कर रहे हो, इससे हमारा GDP काउंटिंग में समस्या आ जाएगी और डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए हम पुरानी वस्तु को GDP में काउंट नहीं करते और मध्यवर्ती वस्तु को भी GDP में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, इसका कोई उपयोग नहीं होता, और ये हमेशा वैल्यू एडिशन को मतलब वैल्यू एडिशन के लायक होता है, हमेशा इसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। चूँकि अंतिम वस्तु पर ही GDP क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन का कोई स्कोप नहीं बचता। ये बार बार आप सुने वैल्यू एडिशन कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है एक बार इसे समझ लीजिए। वैल्यू एडिशन को समझने का एक सबसे आसान तरीका है, जैसे आप मक्का देखते होंगे, मक्का का भुट्टा होता है, आप जाएंगे तो 5 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब उसे पका दिया जाता है ना तो वो आपको 10 रुपये मिलता है, यानी 5 रुपये उसमें वैल्यू एडिशन हो गया। आप उस पर थोड़ा सा काम किए, उसको पका दिए, उसके बाद उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी वैल्यू एडिशन हो गया। वैसे ही आप यहाँ गेहूं से आटा बना रहे थे तो वैल्यू एडिशन हो रहा था, आटा से ब्रेड बना रहे थे तो वैल्यू एडिशन हो रहा था, और चूंकि ब्रेड आखिरी में आप उपभोग करेंगे यानी उसको खरीदेंगे और उसमें फिर से कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, इसलिए वो अंतिम वस्तु कंसिडर करेंगे और उस पर हमारा GDP काउंट होगा। सॉरी, तो ये समझ में आ गया कि अंतिम वस्तु एवं सेवा का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा। अच्छा सुनिए, एक और बात है, अंतिम वस्तु होने के लिए कुछ शर्त हैं। कैसे? सबसे पहले ये बाजार मूल्य होना चाहिए इसका, यानी बाजार में इसका कीमत निर्धारित होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, इसमें वैल्यू एडिशन का कोई स्कोप नहीं बचता है, वैल्यू एडिशन नहीं हो। और तीसरा क्या होता है कि इसे हम उपभोग करें यानी कंज्यूम करें या उपयोग करें। देखिए ये तीनों शर्त पूरा होगा तो भी हम मानेंगे कि वो अंतिम वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, आइए अब आगे समझते हैं इसको हटाइए।
अंतिम वस्तु एवं सेवा के अल एक और यहाँ टर्म बचता है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य से क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। देखिए मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य को बोलते हैं, ठीक है। मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य, यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस अंतर डिसाइड होती है वो हमारा मौद्रिक मूल्य होती है। तो सबसे पहले इस सारी लेक्चर से जितनी भी बातें हुई इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो जीडीपी की अकाउंटिंग कैसे होती है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित समय में होती है। दूसरी बात जो याद रखनी है देश की घरेलू सीमा के अंदर होती है। तीसरी बात अंतिम एवं अंतिम वस्तु एवं सेवा, यानी कि एकदम अंतिम वस्तु और सेवा के को काउंट किया जाता है, यानी मध्यवर्ती वस्तु, पुरानी वस्तु या फिर पूंजीगत वस्तु, उसको काउंट नहीं किया जाता, हमेशा अंतिम वस्तु पर जीडीपी अकाउंटिंग होती है, ये अंतिम वर्ड ध्यान रहे। और तीसरा बात जीडीपी अकाउंटिंग हमेशा बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर होता है। तो पांच चीज़ें आपसे इसमें निकली। एक और आपको ये समझ में ऐसा पूछ सकता है कि सेकेंड हैंड वस्तु को जीडीपी में काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता, मैंने बता दिया। तो जीडीपी की डिफिनेशन से इतनी बातें आई जो हम समझ गए। तो ठीक है आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में जीडीपी की अकाउंटिंग को देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।